सो हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम्स बहुत ही पास हैं, बहुत ज़्यादा पास हैं। कहीं ना कहीं वो जो नर्वसनेस की फीलिंग है, वो जो डर का फीलिंग है, वो हर किसी को फील हो रहा होगा। नाउ आप सबको पता है, हम पूरे साल कितना भी प्रिपेयर कर लें, कितना भी पढ़ लें, अल्टीमेटली हाउ यू एग्जीक्यूट दैट इन दोज 3 आवर्स ऑफ द एग्ज़ाम मैटर्स द मोस्ट। सबसे ज़्यादा मैटर ये करता है कि आप उस 3 घंटे में कैसे एग्जीक्यूट करते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती है, बट उस 3 घंटे का जो एग्जीक्यूशन का स्लॉट है, उस 3 घंटे में हम प्रॉपर एग्जीक्यूशन नहीं दे पाते और हमारी सारी मेहनत, पूरे साल भर की मेहनत खराब हो जाती है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम पहले से प्लान करके चलें कि उस 3 घंटे को अपने को कैसे यूटिलाइज करना है, बेस्ट मैनर में यूटिलाइज करना है। आपको मैं सबसे पहले जनरली बताऊंगा कि किसी भी सब्जेक्ट में 3 घंटे को कैसे यूटिलाइज करना चाहिए, और उसके बाद स्पेसिफिकली जो मेरा पेपर है ऑडिट, ऑडिट को लेकर बताऊंगा कि आपको वो 3 आवर में यूटिलाइजेशन कैसे करनी चाहिए। क्लियर है? नाउ सबसे पहले आपके साथ एक चीज शेयर करना चाहूंगा कि अगर आप उस 3 घंटे को अच्छे से यूटिलाइज करना चाहते हो ना, द प्रिपरेशन शुड बिगिन फ्रॉम होम। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले पेपर में जाने से पहले देखो, बहुत ज़रूरी है आपको एक प्रॉपर स्लीप लेके जानी है, प्रॉपर नींद लेकर जानी है। मैं ये नहीं बोलता कि भाई 8 घंटे सो, बट एटलीस्ट एक डिसेंट 5 घंटे का स्लीप तो बनता है। एटलीस्ट एक डिसेंट 5 घंटे का स्लीप तो आपको लेकर जाना ही जाना है एग्जाम में। बिकॉज अगर सोगे नहीं, पूरी रात जाकर पढ़ाई कर लोगे, 1-2 घंटे यू नो सोगे चले जाओगे, तो याद रखना CA फाइनल का एग्ज़ाम है, और CA फाइनल के एग्जाम में आपकी बहुत सारी एनालिटिकल स्किल्स वहाँ पे चेक होने वाली है। तो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आप क्या करें, प्रॉपर स्लीप लेकर जाएं। दूसरी चीज़ जो मैं एडवाइस करूँगा, एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले, बिफोर गोइंग टू द एग्ज़ाम हॉल, ये 3 घंटे से पहले की सारी प्रिपरेशन बता रहा हूँ आपको, 5 मिनट मेडिटेट करके जाएं। बहुत ही यूनिक सी चीज़ बता रहा हूँ आपको, बहुत ही हटके एक चीज़ बता रहा हूँ। आप बोलोगे क्या बोल रहे हो सर, बट बिलीव मी दिस मैटर्स। बहुत सारे रैंक होल्डर से बात करी है मैंने, जिन लोगों ने बहुत अच्छा करा है, दिस मैटर्स अ लॉट। बिकॉज एग्जाम जाते वक्त हमारा जो नर्वसनेस का लेवल होता है वो बहुत ही हाई होता है, और अगर उस वक्त आप 5 मिनट मेडिटेट करके जा सकते हो, अपने दिमाग को कंपोज करके जा सकते हो, शांत करके जा सकते हो, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। तीसरी चीज़, एग्ज़ाम जाने से पहले अपने माइंड में हर पॉसिबिलिटी को पहले से फिगर आउट कर लें, जो भी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है। देयर कैन बी 3 पॉसिबिलिटीज़ इन द एग्ज़ाम हॉल। द फर्स्ट पॉसिबिलिटी, पेपर इज वेरी 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 सिंपल। याद रखना, अगर पेपर बहुत ज़्यादा सिंपल आता है, सब कुछ PM से आ गया, तब भी आपको बिल्कुल एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड मत होना, एक्साइटेड होते हो वहाँ गलतियाँ करते हो, सिली मिस्टेक्स करते हो, मार्क्स कटते हैं। दूसरा सिचुएशन, पेपर नॉर्मल है जैसा होता है, कि ठीक है 70-80 मार्क्स टफ है, इजी है, और 20 मार्क्स सिंपल है। तो अगर वैसा पेपर है तो ठीक है, मेरे को पहले से अप्रोच लेके जानी है कि भाई नॉर्मल पेपर है और नॉर्मल काम कंपोज्ड मैनर पे मेरे को अपीयर करके आना है। तीसरा सिचुएशन, जो भगवान ना करे आपके साथ हो, मगर द पेपर इज वेरी वेरी टफ, द पेपर इज वेरी वेरी क्रिटिकल, वेरी वेरी टफ, वेरी वेरी क्रिटिकल, मतलब हाथ पैर फूलने लग गए भाई साहब एग्जाम हॉल के अंदर। अब उस सिचुएशन के लिए आपको पहले से प्रिपेयर्ड होके जाना होगा, बिकॉज ये सिचुएशन किसी भी पेपर में आ सकती है, बिकॉज ICI का एग्जाम है। आपको पहले से ये चीज सोच के जाना होगा कि अगर ऐसा सिचुएशन मेरे को देखने को मिलता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो सिचुएशन सिर्फ मेरे लिए नहीं होने वाला, वो सिचुएशन पूरे इंडिया के लिए सेम होने वाला है, वही सेम पास परसेंटेज रहने वाली है, और टोटल कंट्री में से ही वो रिजल्ट्स निकलने वाले हैं। तो जो सिनेरियो मैं फेस कर रहा हूँ, वही सिनेरियो मेरे कॉम्पिटिटर्स भी फेस कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट थिंग मस्ट बी वेरी वेरी क्लियर। दूसरी चीज़, आपको पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। याद रखना, पेपर बहुत टफ है तो नॉर्मली जो देखा जाता है, चेकिंग इज गोइंग टू बी सिंपल। तो अगर आप अपने आप को काम रखते हुए, कंपोज्ड रखते हुए पेपर अपना बेस्ट लिख के आते हो, मार्क्स आपको अब भी उतने ही मिलेंगे, बिकॉज पेपर टफ था बट चेकिंग हो सकता है सिंपल हो। तीसरी चीज, आपको यह समझना होगा, यह जानना होगा कि चाहे पेपर कितना भी टफ क्यों ना हो, ICAI हर पेपर में आपको पास होने का मार्जिन जरूर प्रोवाइड करता है। कम से कम 50 मार्क्स का पेपर डेफिनेटली इजी होगा, चाहे पेपर कितना भी टफ क्यों ना हो। आपको सिर्फ क्या करना है, काम रहना है, कंपोज्ड रहना है, उन 50 मार्क्स को आइडेंटिफाई करना है। कभी कभी क्या होता है कि यार हम इतने पैनिक कर जाते हैं कि वो जो 50 मार्क्स ईजी था ना,
हम उसको भी ढंग से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। तो ये तीनों सिनेरियोज आपको दिमाग में रखते हुए चलनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, बिफोर दैट थ्री आवर्स, प्लानिंग बिफोर दैट थ्री आवर्स। अब क्या करना है आपको, अब जब आप एग्जाम हॉल में पहुंचते हो, आपको शुरू में 15 मिनट का रीडिंग टाइम मिलता है, यू गेट दैट 15 मिनट्स रीडिंग टाइम। तो काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वायरी होती है कि उस 15 मिनट्स के रीडिंग टाइम को कैसे यूटिलाइज किया जाए। देखो, उस 15 मिनट के रीडिंग टाइम में आपको प्रॉपरली प्लान आउट करना है, आपको प्रॉपरली प्लान आउट करना है कि मेरे को कौन सा क्वेश्चन शुरू में अटैम्प्ट करना है, मेरे को कौन सा क्वेश्चन बाद में अटैम्प्ट करना है, मेरे को कौन सा क्वेश्चन लास्ट में अटैम्प्ट करना है। प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। याद रखना, किसी भी चीज़ को करने से पहले प्रॉपर प्लानिंग ज़रूरी है। उस थ्री आवर्स में लिखना चालू करो, उससे पहले प्रॉपर प्लानिंग ज़रूरी है। तो मेक ए प्रॉपर प्लान। उस 15 मिनट में आप देखें कि भाई कौन सा क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कौन सा क्वेश्चन टफ है, कौन सा क्वेश्चन ईजी है, वो पूरा एनालिसिस कर लें। नॉर्मली ये जो एनालिसिस करना स्टार्ट करें, ऑलवेज स्टार्ट डूइंग इट फ्रॉम द लास्ट। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है, कंपल्सरी क्वेश्चन होता है, वो कंपैरेटिवली टफर होता है। तो आप लास्ट से देखना शुरू करो उसे, और एक लिस्ट बना लो, प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3, प्रायोरिटी 4, कि भाई पहले मेरे को ये वाला क्वेश्चन का सेट अटेम्प्ट करना है, उसके बाद मेरे को ये वाला क्वेश्चन का सेट अटेम्प्ट करना है, उसके बाद मेरे को ये वाले क्वेश्चन का सेट अटेम्प्ट करना है। तो आपने क्या कर लिया, वहाँ पे प्रॉपर प्लानिंग कर लिया। अब वो 3 घंटे शुरू हो चुके हैं। अब वो जब 3 घंटा शुरू हो चुका, प्रायोरिटी लिस्ट जब बनाओगे, मेरा एडवाइस है सबसे पहले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जो आपको अच्छे से आते हैं, एट द सेम टाइम टाइम कम लेने वाले हैं, एट द सेम टाइम टाइम कम लेने वाले हैं। बिकॉज ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने कोई ऐसा एरिया उठा लिया जिसमें आपको बहुत टाइम लगने वाला है, ऑल्दो आपको आता है, बट एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा, यार 1 घंटा हो गया, मैंने सिर्फ 20 नंबर करे, 2 घंटे बाकी हैं, 80 नंबर बाकी है। वो मेंटल प्रेशर तुम्हारे माइंड में आ जाएगा। हम नहीं चाहते कि वो मेंटल प्रेशर तुम्हारे माइंड में हो, लेकिन आपने कोई ऐसा एरिया चूज कर लिया कि मान लो आधे घंटे में ना तुमने 20 नंबर खत्म कर दिए, 25 नंबर खत्म कर दिए, 25 मार्क्स का पेपर तुमने आधे घंटे में लिख दिया, एंड यू आर वेरी मच सिक्योर्ड अबाउट दोस 25 मार्क्स। अब तो मेंटली सेफ फील करते हो, मेंटली हैप्पी फील करते हो, यार सिर्फ आधा घंटा हुआ है, 20-25 नंबर तो मेरे जेब में आ गए। तो मेंटली दैट कॉन्फिडेंस यू गेट, मेंटली वो कॉन्फिडेंस आता है। तो सबसे पहले उन एरियाज को अटेम्प्ट करें जो तुमको लगता है कि ईजी है, तुमको आते हैं, और एट द सेम टाइम कम टाइम लेने वाले हैं। दूसरी चीज, तुमको पेपर में ये एनालाइज करना होगा कि पेपर तुमको पूरा आता है या 80 मार्क्स का आता है या 70 मार्क्स का आता है। लेट अस से पेपर तुमको पूरा आता है, यू नो 100 मार्क्स ऑफ द पेपर, या 80-85 मार्क्स बहुत अच्छे से आता है, 15 मार्क्स ज़्यादा अच्छे से नहीं आता। अब आपको पेपर पूरा अटैम्प्ट करना है वहाँ पे, बिकॉज जब हमें सब कुछ आता है तो हम वहाँ पेपर फिर भी छोड़ कर आएँ, दैट विल बी हाईली इलॉजिकल। सो क्या करना होगा, आपको एक प्रॉपर टाइम कैलकुलेशन करना होगा। मान लो एक 4 मार्क का क्वेश्चन है, तो 4 × 1.8, हर एक मार्क का 1.8 मिनट्स होता है, आपके पास 7.2 मिनट्स हैं। तो आपको कैलकुलेशन करनी होगी कि एक 16 मार्क का क्वेश्चन अगर मेरे पास है या एक 8 मार्क का क्वेश्चन है, तो भाई मुझे उसमें इतना ही टाइम लगाना है, एक 4 मार्क के क्वेश्चन में मुझे 7.2 मिनट से लगाना है। तो आपको वो कैलकुलेशन करनी होगी। अगर किसी 4 मार्क के क्वेश्चन आपने 15 मिनट लगा दिए, तो यानी कि वो 4 नंबर वजह बनने वाली है कि आप आगे चल के 15 मार्क का पेपर छोड़ने वाले हो, एंड वो चीज़ अपने को नहीं करनी। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी डिसिप्लिन, यू हैव टू बी वेरी वेरी स्ट्रिक्ट। आपने जैसे ही 4 मार्क का क्वेश्चन में 8 मिनट लगा दिया, 7.2 का टाइम था, और 8 मिनट आप मैक्सिमम लगा सकते हो। अगर आपको बहुत अच्छे से आता है, यू आर श्योर कर जाओगे, तो 9 या 10 मिनट मैक्सिमम लगा सकते हो। बट जैसे ही वहाँ पे वो 2 मिनट का जो आपने मार्जिन ले रखा है वो भी एक्सीड हो गया ना, इमिडिएटली उस क्वेश्चन को छोड़ दो, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वो क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ रहेगा, कोई बात नहीं, फिर भी छोड़ दो, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तकलीफ होगी, मगर ये तकलीफ तुमको उठानी होगी, वरना उस क्वेश्चन के चलते तुम्हारे आगे 8 नंबर और छूटने वाले हैं। So you have to do that. You have to be very, very disciplined. You have to be very, very disciplined in that approach. ऐसा नहीं कि भाई एक 16 मार्क का क्वेश्चन है, मैं तो लेके बैठ गया, मेरा बैलेंस शीट क्यों नहीं मिल रहा, मेरा बैलेंस शीट क्यों नहीं मिल रहा, और लगा दिए भाई साहब हमने 50 मिनट लगा दिए, 55 मिनट लगा दिए, और पूरे पेपर की बैंड बच गई। ऐसा काम अपने को नहीं करना। यू हैव टू बी वेरी वेरी सिस्टमैटिक, यू हैव टू बी वेरी वेरी डिसिप्लिन्ड। अगली चीज़, ध्यान रखें किसी भी पेपर में कि आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही हैपजर्ड मैनर में ना जाए, बहुत ही स्मूथ वे से प्रेजेंटेशन चल रही हो। अगली चीज़ ध्यान रखें, पेपर देने से पहले अपने पास 2 मिनट बचा के रखें।
एक बार सारे क्वेश्चन नंबर्स चेक कर लें, सारे क्वेश्चन नंबर्स चेक कर लें कि आपने क्वेश्चन नंबर प्रॉपरली कोट किया है कि नहीं। देयर आर स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन नंबर गलत लिखते हैं जिसकी वजह से नंबर कटता है, तो प्लीज मेक दैट ए हैबिट कि पेपर खत्म होने से पहले 2 मिनट का टाइम अपने अलॉट करें और उसमें क्वेश्चन नंबर्स एक बार चेक कर लें कि आपने क्वेश्चन नंबर्स प्रॉपरली लिख रखे हैं कि नहीं, उसके बाद ही पेपर हैंड ओवर करें। तो ये तो हो गया जनरल कि किसी भी पेपर में आपको 3 घंटे को कैसे प्लान आउट करना है। नाउ कमिंग टू माई सब्जेक्ट स्पेसिफिकली ऑडिटिंग, एडवांस्ड ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, राइट, एडवांस्ड ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स, या फिर अगर हम इंटर की भी बात करें तो ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, इन सब्जेक्ट्स में आपको कैसे प्लान आउट करना है। सबसे पहले भाई साहब प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरे स्टूडेंट हो, मैं आपको बार बार बोलता हूँ जितना इंपॉर्टेंट कंटेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है। प्रेजेंटेशन का एक छोटा सा टिप मैं आपको देता हूँ, मार्जिन हमेशा बोथ साइड में ड्रॉ होना चाहिए और कीवर्ड्स हमेशा अंडरलाइन होने चाहिए। यू शुड मेक दैट एज योर हैबिट्स राइट नाउ। अब आप क्या करें, 15 मिनट में आपको 2 काम करने हैं। एक तो आपको मार्जिन ड्रॉ करने हैं, बिकॉज पेपर शुरू हो जाएगा उसके बाद आप वो काम नहीं करने वाले। 2 मिनट लगेगा, सारे पेज में फटाफट मार्जिन ड्रॉ कर लो, पहला काम। दूसरा काम क्या करोगे, अब दूसरा काम ये करोगे कि क्वेश्चंस की प्रायोरिटी ऑर्डर सेट करोगे। अब जब क्वेश्चंस की प्रायोरिटी ऑर्डर सेट करोगे, स्टार्ट सीइंग फ्रॉम द लास्ट, जैसे मैंने बताया था, स्टार्ट सीइंग फ्रॉम द लास्ट, बिकॉज जनरली फर्स्ट क्वेश्चन ज्यादा टफ होता है, स्टार्ट सीइंग फ्रॉम द लास्ट, लास्ट से देखना शुरू करें और प्रायोरिटी ऑर्डर सेट करें। क्लियर है कि मेरे को पहला क्वेश्चन कौन सा करना है। आमतौर पर आपका पहला क्वेश्चन वो होगा जो आपको सबसे बेस्ट आता है। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्टूडेंट्स मुझसे स्पेसिफिकली सीए फाइनल में क्वेश्चन पूछते हैं कि सर कोड ऑफ एथिक्स के लिए हमने सुना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट के लिए हमने सुना है कि अगर आप सबसे पहले अटेम्प्ट करो तो आपको ज्यादा नंबर नहीं मिलता, क्योंकि पूरा इंडिया जो है, पूरा जो देश है, वो सबसे पहले कोड ऑफ एथिक्स से अटेम्प्ट कर रहा है, क्या ये सच है? तो इसका आंसर हाँ भी है और इसका आंसर ना भी है। ये बात सच है कि कहीं ना कहीं मोस्ट ऑफ देम आर स्टार्टिंग विद कोड ऑफ एथिक्स, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा यूनिफॉर्म बन जाता है और कभी कभी एवरेज मार्किंग देखने को मिल जाती है। तो कोशिश करें कि यस कोड ऑफ एथिक्स पहला क्वेश्चन ना हो। अगर कोई दूसरा क्वेश्चन तुमको बहुत अच्छे से आता है, जितना कोड ऑफ एथिक्स आता है उतने ही अच्छे से तुमको कोई दूसरा क्वेश्चन भी आता है, तो पहले तुम वो वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, मे बी कंपनी ऑडिट का, मे बी टाइप्स ऑफ ऑडिट का, मे बी स्टैंडर्ड्स का, पहले आप वो वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो और उसके बाद कोड ऑफ एथिक्स कर लो। बट अगर तुमको कोई दूसरा क्वेश्चन ज्यादा अच्छे से नहीं आता, सारे क्वेश्चन एवरेज आते हैं, बट कोड ऑफ एथिक्स का क्वेश्चन ही जबरदस्त तरीके से आता है, अब सिर्फ इसीलिए कि मैंने सुना है कि कोड ऑफ एथिक्स पहले अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, तुम उन क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट मत करने लग जाना जो तुमको एवरेज आते हैं। कोड ऑफ एथिक्स ही पहले अटेम्प्ट करना इफ यू फील कि तुमको बाकी क्वेश्चंस अच्छे से नहीं आते, इफ यू फील कि बाकी क्वेश्चंस अच्छे से नहीं आते, स्पेसिफिकली अगर आप मेरे स्टूडेंट्स हो, बिकॉज आई हैव सीन कि यस एवरेज मार्क्स मिलते हैं काफी बार, बट अगर आपने उसमें भी बहुत बेहतरीन तरीके से आपको क्लॉज नंबर याद है, आपको क्लॉज का लैंग्वेज याद है, आपने रेगुलेशन का रेफरेंस दिया है, तो यू डू गेट वेरी गुड मार्क्स इवन इफ दैट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। सो अगर आपको कोई दूसरा सवाल भी अच्छे से आता है तो पहले वो अटेम्प्ट कर लें, फिर कोड ऑफ एथिक्स कर लें, बट अगर कोई दूसरा सवाल ज्यादा अच्छे से नहीं आता तो पहले कोड ऑफ एथिक्स भी अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। उसके बाद ऑडिट के पेपर में हमेशा मैं बोलता हूं प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंटेशन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज बी वेरी 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 कॉशियस, वेरी वेरी केयरफुल। आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, मार्जिन ड्रॉ होनी चाहिए, वर्ड्स अंडरलाइन होने चाहिए। प्रेजेंटेशन की और भी जो मैंने जनरल टिप्स का भी एक वीडियो दिया था वो भी देखें। जिन स्टूडेंट्स ने मेरे क्लास ली है तो आपको तो मैंने हर चैप्टर में प्रेजेंट कैसे करना है बताया है, वो सारी चीज़ आपको इंप्लीमेंट करनी है, राइट। तो प्रेजेंटेशन आपको ध्यान रखना है। काफी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि एग्जाम खत्म होने के बाद वो बोलते हैं कि सर हमने प्रेजेंटेशन पे ध्यान नहीं दिया, हम भूल गए उस प्रेशर में। आपको नहीं भूलना, दैट इज गोइंग टू प्ले ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जितना आप एग्जामिनर का लाइफ सिंपल बनाओगे उतना एग्जामिनर तुम्हारे ऊपर मेहरबान होगा, याद रख लेना इस बात को, क्लियर है। तो सबसे पहले आपने क्या करा, जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं उसे अटेम्प्ट कर लिया सबसे पहले। उसके बाद आपने क्या करा, याद रखना कम से कम जो तुम्हारा इनिशियल 40 से 50 नंबर है जो तुम लिखने वाले हो, इनिशियल 40 से 50 नंबर है जो तुम लिखने वाले हो, वो ऐसा होना चाहिए कि जब एग्जामिनर तुम्हारा पेपर चेक करे ना उसका दिल खुश हो जाए, वो बोले कि यार मजा आ गया पेपर देख के। और अगर 40 नंबर जो तुमने शुरू में लिखे हैं उसमें से ही तुमको 30 मार्क्स मिल जाएं, तो ऑडिट में 50-55 लाना बिकम्स मच मच सिंपल।
बिल्कुल कोशिश करना, 100% कोशिश करना कि शुरुआती के जो आंसर्स होंगे उनमें एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो, एक भी आंसर ऐसा ना हो जो आपका नेगेटिव इंप्रेशन एग्जामिनर के सामने क्रिएट करे, पहली चीज। दूसरी चीज, आप जब भी आंसर्स लिखें, आई नो इट इज टफ, बट जब भी आंसर्स लिखें मेक श्योर करें कि एक बार लिखते वक्त सोच समझ के लिखना। कभी कभी लिखते वक्त क्या होता है, थ्योरी पेपर में आप भावनाओं में बह जाते हो, आपको खुद को पता नहीं चलता कि आपका लैंग्वेज कहाँ जा रहा है। आप रेफरेंस नंबर लिख देते हो, स्टूडेंट्स आ रहे हैं कि रेफरेंस लिख दिया, सपोज क्लॉज 7 लिखना था, क्लॉज 7 के जगह आप पता चला कि भाई साहब आपने क्लॉज 17 लिख दिया, आपको पता ही नहीं चला मैंने 17 लिख दिया। सी एक्ट 1949 था, 49 के जगह आपने 59 लिखा, आपको पता ही नहीं चला। बाद में जब पेपर मंगवाया, अरे सर मेरे को तो ये आता था, मैंने गलत कैसे लिख दिया। दैट हैपेंस व्हेन यू आर इन प्रेशर, बट उसकी वजह से आपके नंबर कट सकते हैं। सो बी वेरी वेरी केयरफुल, आप जो लिख रहे हो करेक्ट लिख रहे हो। देखो मैं आंसर कम लिख लें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लिख रहे हैं हम अच्छा लिख रहे हैं, जो लिख रहे हैं हम सही लिख रहे हैं। दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑडिट के पेपर में अगेन रेफरेंसेज आई ऑलवेज से आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेफरेंसेज। मगर रेफरेंसेज इंपॉर्टेंट है, मगर अगर आपको 1% भी डाउट है ना कि यार मैं जो रेफरेंस देने वाला हूँ शायद गलत है, रेफरेंस मत देना। Quoting a wrong section number, quoting a wrong clause number, quoting a wrong ऐसे name number name बिल्कुल advisable नहीं है लेने के बदले। You know आपको marks मिलेंगे नहीं, but आपके marks वहाँ cut ज़रूर सकते हैं। तो please make sure कि आप कोई भी wrong reference वहाँ quote बिल्कुल नहीं करोगे। सारे references आपके सही होने चाहिए, genuine होने चाहिए। References नहीं पता, जिन लोगों ने मेरे classes ली हैं तो जो मैंने alternative presentation सिखाया है आप वो use करें, और जिन लोगों ने क्लासेस नहीं ली है तो आप प्रैक्टिस मैनुअल देख सकते हो। प्रैक्टिस मैनुअल में काफ़ी तरीके हैं और भी आंसर लिखने के, तो आप अकॉर्डिंगली आंसर लिख सकते हो। बट मेक श्योर कि रॉन्ग रेफरेंस बिल्कुल ना लिखें, क्लियर है। दैट थिंग मस्ट बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप रॉन्ग रेफरेंस बिल्कुल ना लिखें। बार बार एम्फसाइज कर रहा हूँ। तीसरी चीज़, जब पेपर लिखोगे वहाँ पे, जब पेपर एग्जीक्यूट कर रहे हो, जब पेपर लिख रहे हो, कोशिश करना। भाई मुझे पता है तुम लोग एग्जाम में क्या करते हो, बहुत सारा ना टाइम पास करते हो, वहाँ पे बहुत सारी खिचड़ी पकाते हो लिखते वक्त। प्लीज़ एटलीस्ट शुरू के 50 नंबर में वो काम मत करना, ट्राई टू अवॉइड इट। एग्जामिनर बेकूफ नहीं बैठा वहाँ पे, एग्जाम बेकूफ नहीं बैठा। राइट द रेलिवेंट पॉइंट्स। अब रेलिवेंट पॉइंट्स लिखने का मतलब, कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि भाई बिल्कुल मेरे को स्पेसिफिक लिखना है। फॉर एग्जांपल उसने बोला कि भाई लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी का टर्नओवर 50 करोड़ है, इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल है कि नहीं, तो भाई लिस्टेड कंपनी के बारे में पूछा है, लिस्टेड कंपनी के बारे में प्रोविजन क्या कहता है बताने का, आंसर को लिख देने का नहीं, आपको बैकग्राउंड हर सिचुएशन में देना है। यू हैव टू गिव दैट बैकग्राउंड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट इरेलेवेंट का मतलब इंटरनल ऑडिट के बारे में पूछा है, आप कुछ और ही कहानी लिखने लगे वहाँ पे, वो चीज़ आपको नहीं करनी। उसके बाद जो टाइम कैलकुलेशन का शीट था, टाइम कैलकुलेशन का जो पार्ट मैंने आपको बताया था, प्रैक्टिकल पेपर में उसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है, बट यहाँ भी वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। पहले आप एनालाइज करो आपको पेपर कितना आता है, 80 मार्क्स का आता है, 100 मार्क्स का आता है, 90 मार्क्स का आता है, उस चीज़ को एनालाइज करो, ठीक है। अगर पेपर 100 मार्क्स का आता है तो बिल्कुल हर क्वेश्चन में टाइम फ्रेम मैनर पर आपको डिवाइड कर लेना होगा, हर क्वेश्चन पर आपको टाइम फ्रेम मैनर पर डिवाइड कर लेना होगा कि मेरे को कितना टाइम किस क्वेश्चन पर लगाना है। बट इसमें भी आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, Every question is not going to take the same time. काफ़ी students क्या करते हैं मैंने देखा है, standards के answers, code of ethics के answers, उनके एक एक पेज के होते हैं, एक पेज से भी कम होता है, जबकि ideally इनका answer होना चाहिए 1.5 pages का। आप कहते हो सर time कैसे मिलेगा, तो यार तुमको एक चीज़ समझनी होगी। मान लो 100 नंबर का पेपर है, आई एम 100% श्योर जनरली किसी को 100 मार्क्स नहीं आता होगा। क्या होने वाले एग्जाम में तुम्हारे साथ 3 घंटे में, तुमको 40 मार्क्स बहुत अच्छे से आता है, तुमको 40 मार्क एवरेज आता है, और तुमको 20 नंबर नहीं आता तो उसमें बना के लिखने वाले हो। दैट इज द स्टोरी ऑफ ए नॉर्मल स्टूडेंट, दैट इज गोइंग टू हैपन विथ यू इन द एग्जाम। जो 40 नंबर तुमको अच्छे से आता है, उस 40 नंबर में प्लीज अपना कंटेंट कॉम्प्रोमाइज मत करना। ये मत सोचना कि यार मेरे को 100 मार्क्स का लिखना है, उसके चक्कर में मैंने सब कुछ शॉर्ट में लिख दिया। 40 नंबर प्रॉपरली फुल कंटेंट के साथ लिखना, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज मत करना, वही 40 नंबर तुमको पास कराने वाला है। जो 40 नंबर एवरेज तुमको आता है, उस एवरेज एरिया में तुम फट्टे मारोगे, टाइम पास करोगे, कुछ भी लिखोगे, एग्जाम में तुमको ऐसे भी नंबर नहीं देने वाला यार।
इससे अच्छा जो आता है उतना लिखो, स्पेसिफिक लिखो, कंटेंट थोड़ा कम भी है चलेगा, जितना आता है राइट इट डाउन। और जो 20 नंबर का एरिया है या मे बी 10-15 नंबर का एरिया है, तुमको ऐसे भी ज्यादा अच्छा नहीं आता था, वहां तुम कुछ भी भर के लिख के आओगे, उसमें टाइम लगाओगे, इट इज नॉट मेक अ सेंस। वो 15 से 20 नंबर के लिए आप सिर्फ अपने 15 से 20 मिनट ही एलोकेट करोगे आखिरी के। आपको पहले से एलोकेट करके रख देना है कि आउट ऑफ 3 आवर्स 2 घंटा 45 मिनट 2 आवर 45 मिनट्स मेरे को अपना 80 मार्क्स अटेम्प्ट करना है। उस 80 मार्क्स में भी अगर 2 घंटा 45 मिनट है तो 1.5 आवर्स तो मेरे को कोर 40 नंबर अटेम्प्ट करना है, कोर 40 नंबर जो मेरे को बहुत अच्छे से आता है। 1.5 घंटा लगा दूंगा मैं उसमें, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ऐसा लिख के आऊंगा कि 40 में 40 दे दे एग्जामिनर। उसके बाद अब जो रिमेनिंग टाइम है 2 घंटा 45 मिनट माइनस 1.5 घंटे, इसमें मैं वो 40 नंबर लिखूंगा जो मेरा एवरेज है। और जो 20 नंबर मेरे को नहीं आता था ना, मैं उसमें सिर्फ आखिरी के 15 मिनट लगाऊंगा, जितना लिख सकूं उस 15 मिनट में लिखूंगा, उससे ज्यादा नहीं लिखूंगा, बिकॉज एनीवेज आई एम नॉट श्योर कि वो लिखने पर मेरे को नंबर मिलने वाला है कि नहीं, तो मैं क्यों एक्स्ट्रा टाइम लगाऊं वहां पे। रेलिवेंट लिखूंगा, जितना आता है उतना लिखूंगा, क्लियर है। एंड उसके बाद जब पूरा पेपर लिख लो, मेक श्योर कि पेपर हैंड ओवर करने से पहले 2 मिनट जरूर बचा के रखना। यार एक क्वेश्चन कम लिख लोगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग क्या करते हो, एक क्वेश्चन बाकी है लिखना, उसको लिखने के चलते बस लिखते हो, हैंड ओवर कर देते हो, गलतियों का पता ही नहीं लगा पाते। वो काम मत करना, एक क्वेश्चन कम लिखो चलेगा, डज नॉट मेक अ डिफरेंस, कोई बात नहीं। क्या करो, शुरू लास्ट के 2-3 मिनट बचा के रखो, एक बार क्वेश्चन नंबर्स चेक कर लो कि आपने क्वेश्चन नंबर्स प्रॉपरली डाला है या नहीं डाला है, कहीं कुछ की चीज़ें अंडरलाइन होनी चाहिए थी आपने नहीं करी, आप वो चीज़ देख लो, पेजेस टर्न करके देख लो कि भाई तुमने ऐसा कोई ब्लंडर तो नहीं कर रखा, because at the end this can cost you much more marks than you would have got by attempting that one question. तो इस चीज को भी क्या करना है, आपको ध्यान से, बहुत ही ध्यान से implement करना है। exam के pressure पे, भावनाओं पे मत बह जाना, clear है। so सबसे पहले मैंने क्या बोला, exam से पहले 3 घंटे से पहले proper sleep, 1 point। दूसरी चीज, हर पेपर को माइंड में एनालाइज करके चलो। तीसरी चीज, मेडिटेशन करके जाना। एग्जाम सेंटर में पहुंचते हो, 15 मिनट में प्रॉपर प्लानिंग, प्लानिंग में 5 मिनट एक्स्ट्रा भी लग जाए ना कोई बात नहीं चलेगा, बट प्लानिंग इंपॉर्टेंट है, प्लानिंग को कॉम्प्रोमाइज मत करो। ऑडिट का पेपर है तो मार्जिन भी ड्रॉ करना है। उसके बाद उन क्वेश्चन को सबसे पहले करना है जो अच्छे से आता है और कम टाइम लगाए तुम्हारे। हर पेपर को तुमको डिवाइड कर लेना जोन्स में, 40 नंबर मेरे को बहुत अच्छे से आता है, 40 मार्क मेरे को एवरेज आता है, 20 नंबर मेरे को ज्यादा नहीं आता। तो पेपर के 3 घंटे में से 1.5 घंटे तो उस एरिया में जाने चाहिए, उस 40 नंबर में जाने चाहिए जो तुमको बहुत अच्छे से आता है। अराउंड 1 घंटा 10 मिनट तुम्हारे उस एरिया में जाने चाहिए जो तुमको एवरेज आता है, और सिर्फ 15 से 20 मिनट उस एरिया में जाने चाहिए जो तुमको ज्यादा बिल्कुल नहीं आता था, उससे ज्यादा टाइम वहां नहीं लगना चाहिए। और पेपर हैंड ओवर करने से पहले अपने पास हमेशा वो 2-3 मिनट का मार्जिन रखोगे कि नंबर वगैरह चेक कर लो, कुछ अंडरलाइन करनी रह गई थी उसे अंडरलाइन कर लो, उसके बाद ही पेपर हैंड ओवर कर लो। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, पेपर दे चुके, बाहर आ चुके, पेपर का डिस्कशन किसी के साथ मत करना। भाई एग्जाम खत्म हो गया यार, अगले पेपर की तैयारी शुरू कर दो, क्या मिलेगा डिस्कशन करके, तुम्हारे मार्क्स ना इंक्रीज होने वाले डिस्कस करके ना डिक्रीज होने वाले, अगले पेपर की प्रिपरेशन क्यों कम कर रहे हो। एक आधा गलती मिल गई टेंशन में आ जाओगे, दूसरे पेपर की भी प्रिपरेशन कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। तो प्लीज नो डिस्कशन आफ्टर द एग्जाम, नो डिस्कशन आफ्टर द एग्जाम। और मैं भी आपको बिल्कुल कॉपरेट नहीं करने वाला इस चीज में, क्लियर है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू इम्प्लीमेंट दोज 3 आवर्स। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज, एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, उस 3 घंटे से पहले ऑब्वियसली वो 1.5 दिन होगा जहां प्रिपेयर करोगे, लास्ट डे के अंदर रिवीजन कैसे करनी है उसका शेड्यूल ऑलरेडी मैंने व्हाट्सएप ग्रुप्स में दे रखा है, टेलीग्राम ग्रुप्स में दे रखा है। अगेन उस प्रिपरेशन के वक्त रिविजनरी वॉइस क्लिप्स आपके बहुत काम आने वाले हैं, जो मैं हमेशा शेयर करता हूं। किसी को अभी भी रिविजनरी वॉइस क्लिप्स नहीं मिला है तो अब देर मत करना, मैसेज कर देना मुझे व्हाट्सएप ग्रुप्स में, मैं तुम्हें ऐड कर दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भेज दूंगा, टेक द एडवांटेज ऑफ दोज रिविजनरी वॉइस क्लिप्स। एंड एक इंपॉर्टेंट एडवांटेज, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट और, आपका जो ऑडिट का पेपर है, जो ऑडिट का पेपर है, ऑडिट के पेपर के पिछले दिन 11 बजे से लेकर 11 बजे से लेकर रात को जब तक है जान, आई विल बी अवेलेबल फॉर यू ऑल, ऑल द स्टूडेंट्स अक्रॉस द कंट्री, चाहे आपने मुझसे क्लासेस ली हो नहीं ली हो, डज नॉट मेक अ डिफरेंस।
दोस्तों इस बार ऑडिट में कोई फेल नहीं होगा, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, ये हमारा मोटो है, एंड मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि आप सब इस मोटो को जरूर पूरा करोगे और ऑडिट में अच्छे मार्क्स ला के भी दिखाओगे। माय नंबर फॉर योर रेफरेंस, मेरा व्हाट्सएप का जो नंबर है, अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप्स चाहिए, अगर आपको एग्जाम से पहले क्वायरीज पूछनी है, दैट इज 7838061193। आई एम रिपीटिंग 7838061193। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। विशिंग यू ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम्स। मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा करने वाले हो।